हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरके यात्रा में। आज के इस वीडियो में हम घूमने वाले हैं आगरा, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के तट पर स्थित एक शहर है और यह नई दिल्ली से केवल 206 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप आगरा घूमने जाने से पहले आगरा की संपूर्ण जानकारी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आगरा कैसे जा सकते हैं, आगरा में कहाँ स्टे कर सकते हैं, आगरा में खाने पीने की क्या सुविधा है, आगरा में हम कौन कौन से प्लेस घूम सकते हैं, फिर आगरा में हमें कितने दिनों के लिए जाना चाहिए और साथ ही आगरा जाने का सही समय कौन सा होता है और आगरा के लिए एक पर्सन के लिए कितना खर्च आ सकता है। तो यह पूरी जानकारी विस्तार में देखने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए और घूमिए मेरे साथ आगरा। सबसे पहले हम देखते हैं कि आगरा कैसे जा सकते हैं। आप ट्रेन से आगरा जा रहे हैं तो आप आगरा छावनी रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं या आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं। सभी शहरों से आगरा के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। या आप फ्लाइट से आगरा जाने का सोच रहे हैं तो आप यह जान लीजिए कि आगरा में जो एयरपोर्ट है वह एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तो अगर आपके राज्य या शहर से आगरा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है तो ठीक है, या फिर आप दिल्ली के IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाकर वहाँ से आगरा के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। फिर बाय रोड आप आगरा जाना चाहते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा जैसे नज़दीकी राज्य या शहरों से आप बस या फिर प्राइवेट गाड़ी से बाय रोड आगरा जा सकते हैं। अब आगरा में रुकने के लिए क्या ऑप्शंस है यह देखते हैं। आगरा एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहां हर साल देश विदेश से लाखों टूरिस्ट आगरा आते हैं, इसीलिए आगरा में आपको रुकने के लिए होटल्स मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होटल के किराए की बात करें तो 24 घंटे के लिए 1500 रुपये से 2000 रुपये तक आपको होटल मिल जाएंगे। आगे आगरा में खाने पीने के संबंधित क्या सुविधा है यह जानते हैं। आगरा में खाने पीने के लिए होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड भी आपको मिल जाएंगे। और फिर आगरे का सबसे प्रसिद्ध पेठा आप ज़रूर ट्राई करें। अब आगरा में घूमने और शॉपिंग करने के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है यह देखते हैं। ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। तो यह बेहद ही खूबसूरत मकबरा देखने के लिए पहले आपको टिकट काउंटर से टिकट लेना है। एक व्यक्ति के लिए 50 रुपये और 250 रुपये टिकट का कॉस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों टिकट में क्या डिफरेंस है। तो जो 50 रुपये का टिकट है उस टिकट से आप ताजमहल के बगीचे में घूम सकते हो और दूर से ताजमहल को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप 250 रुपये का टिकट लेते हैं तो आप बेहद ही नज़दीक से ताजमहल को देख सकते हैं और घूम सकते हैं। फिर ताजमहल के बैक साइड में आपको यमुना नदी का सुंदर दृश्य भी देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ फ़ोटो और वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन ताजमहल के अंदर फ़ोटो और वीडियो शूट करना मना है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। और ताजमहल के आउटसाइड में आपको कई सारे शॉप मिलेंगे जहाँ आप खाना पीना कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और आपको यहाँ पेटे की दुकानें भी मिलेंगी। फिर हम अगला स्थान आगरा फोर्ट देखते हैं। ताजमहल के बाद आगरा की दूसरी फेमस प्लेस है आगरा फोर्ट। यहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपये है। आगरा फोर्ट को देखकर आपको लगेगा कि आप मुगल काल में आ गए हैं। आगरा फोर्ट का ज़्यादातर हिस्सा लाल पत्थर से बना हुआ है और यह महल बहुत ही बड़ा है और इसकी बनावट बहुत ही खूबसूरत है। इस फोर्ट में एक कुआं और मस्जिद भी है। आगरा फोर्ट से भी आपको ताजमहल और यमुना नदी का व्यू दिखाई देता है। फिर आगे है मेहताब बाग। इसकी एंट्री फीस 25 रुपये है। मेहताब बाग में जाके आपका दिल बाग बाग हो जाएगा क्योंकि मेहताब बाग से दिखाई देता है यह व्यू। ताजमहल और मेहताब बाग के बीच से यमुना नदी बहती है, फिर भी आपको यह मेहताब बाग से नज़दीक दिखाई देता है। मेहताब बाग काफ़ी सुंदर गार्डन है। इस बाग में कई सारे अलग अलग प्रकार के फूलों को आपको देखने को मिलेगा और यह काफ़ी शांत जगह है।
तो यहाँ आप टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। इत्मादुद्दौला, यह एक मकबरा है, इसका एंट्री फीस 30 रुपये है। यह मकबरा 1628 में बनाया गया है। यह मकबरा देखने भी काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं। मकबरे तक जाने के लिए 4 गेट बने हुए हैं और मध्य में मकबरा बना है। फतेहपुर सीकरी, यहाँ आपको बुलंद दरवाज़ा देखने को मिलेगा। यह एक विश्व धरोहर स्थल है। बुलंद दरवाज़ा 54 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। यह लाल और शौकीन बलुआ पत्थर से बना हुआ है, फिर इसे काले और सफ़ेद संगमरमर द्वारा सजाया गया है, तो यह देखने भी आप जा सकते हैं। सदर बाज़ार, शाम के समय आप आगरा के सदर बाज़ार जा सकते हैं। यहाँ कपड़ों, जूते या खाने पीने की कई सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं और घूम सकते हैं। तो आगरा में आप यह सभी टूरिस्ट प्लेस घूम सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें आगरा घूमने के लिए कब जाना चाहिए। अगर आप गर्मी के सीज़न में आगरा जाते हैं, तो गर्मी में आगरा का तापमान बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। इसीलिए अगर आप गर्मी के सीज़न में जाते हैं, तो घूमने के लिए आप सुबह जल्दी निकलिए और आगरा में सभी टूरिस्ट प्लेस के बाहर आपको पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध है। या सबसे बेस्ट, विंटर का सीज़न आगरा जाने का सही समय हो सकता है। फिर आगरा में यह सभी जगह घूमने के लिए आपको 1 से 2 दिन का प्लानिंग करना चाहिए। और आगरा में एक व्यक्ति के लिए कितना खर्च आ सकता है, यह जानते हैं। आगरा में रहने, खाने और घूमने के लिए एक व्यक्ति को 3,000 रुपये से 4,000 रुपये तक का खर्च आ सकता है। तो यह थी आगरा की पूरी जानकारी। और दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। फिर आप अमृतसर और जैसलमेर की भी पूरी जानकारी देखना चाहते हैं, तो इनकी वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टूर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।